देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना बिजी का, वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारी रिपोर्ट से। किससे डिपेंड होता है हमारी रिपोर्ट से? सर रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आपने काम करा वही सारे काम की इन्फॉर्मेशन निकालना क्या कहलाती है आपकी रिपोर्ट्स, क्या कहलाती है आपकी रिपोर्ट्स। अगर हम किसी के पास जॉब करने गए उसने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि आप मुझे ये बताओ कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक दिल्ली में कितने रुपए का माल बेचा, तो आप कैसे निकालोगे? इसको सीखते अलग अलग करके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप मुझे सेल की रिपोर्ट निकाल के दिखाओ। किसकी रिपोर्ट निकालो? सेल की, कि एक दिन से एक तारीख 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का कितने का माल बेचा है। तो आपके कई सारे तरीके, पहला तरीका आता है लिस्ट। क्या आती है? लिस्ट। अगर कोई भी किसी चीज की लिस्ट मांगे, सेल की, परचेज की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, तो सबसे पहले कहाँ आना है? उसकी लिस्ट पे आना है। फिर आप क्या करना? एंटर मारना। एंटर मारोगे तो दो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे हमेशा अवेलेबल होंगे, एक होती है स्क्रीन, एक होता है प्रिंट। अगर आप प्रिंट करोगे ना तो डायरेक्ट ये प्रिंटर के जरिए प्रिंट होके निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। लेकिन पहले प्रिंट मत करना, पहले आप क्या करना है? स्क्रीन। जब स्क्रीन करोगे तो यहाँ पर हमेशा मिलेगा ऑल, जीएसटी, रिटेल या टैक्स। आप अब यहाँ पर ऑल लेना, अगर ऑल बोले तो ऑल, उसने कहा नहीं तो मुझे जीएसटी चाहिए, तो आप क्या लेना? जीएसटी। कब से कब तक? तो उसने बोला 1-10 से लेके 10-10 तक के। उसके बाद जैसे ही इंटर मारोगे ना तो आपकी स्क्रीन देखो खुल जाएगी। जो लिस्ट निकलेगी वो कब से निकलेगी? 10 तारीख से लेके 3 तारीख से लेके कब तक की? 10 तक की। और टोटल सेल कितने की हुई है? 1,58,88,184 रुपए। क्लियर? कभी कभी आपके इस कॉलम में वैल्यू नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इस टॉपिक को आपने क्या कर रखा होगा? नो। अगर आप इस टॉपिक को नो कर दोगे तो आपकी स्क्रीन में कभी वैल्यू नहीं दिखे। आ रही है वैल्यू? कभी कभी वो कहेगा मुझे पार्टी का जीएसटीएन नंबर चाहिए, तो क्या कर दो? शो पार्टी जीएसटीएन नंबर। इसको यस करोगे तो आपको पार्टी का जीएसटीएन नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। आ गया पार्टी का जीएसटीएन नंबर। सबसे पहले अगर किसी ने परचेज का बोला तो कहाँ जाओगे? परचेज में लिस्ट पे आओगे, स्क्रीन करोगे, निकाल। दूसरा और सबसे मेन तरीका होता है ऑल्ट एल। ऑल्ट एल, ऑल्ट एल क्या करता है? किसी एक पार्टी का लेजर निकालने के लिए क्या काम करता है आपका? ऑल्ट एल। आप ऑल्ट एल दबाओगे तो सबसे ऊपर लिख के आता है अकाउंट लेजर। क्या लिख के आता है? अकाउंट लेजर। अगर बात करें तो खाते की बात करता है। किसकी बात करता है? खाते की। मुझे कब चाहिए? मैंने बोला सेल चाहिए, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? सेल। कब से कब तक की? 1-10 से लेके 10-10। और जैसे ही मैं इसको करूँगा ना सर, तो मेरी टोटल सेल निकल जाए। कितनी सेल थी? वहाँ भी 1,58,00,000 दिखा रहा था और यहाँ भी कितना दिखा रहा है आपको? 1,58,00,000। आप ये मत देखना ये क्लोजिंग बैलेंस होता, आप सेल को देखो, ठीक है? जब भी एक कभी किसी की लिस्ट निकालते हो ना सर, तो आप उनके ऑप्शनों के बारे में भी देख लिया करो। डिटेल टू बी शो, सिंगल अकाउंट ऑटो, ऑल अदर अकाउंट, फुल वाउचर डिटेल और सिंगल अकाउंट फर्स्ट। दूसरा सर ये नेम क्या होता है, एलियास क्या होता है, आइटम वाइज डिटेल क्या होती है, बिल रेफरेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, सो परचेज बिल नंबर क्या होता है। अगर आप इन टॉपिकों को यस करोगे, यस यस यस, तो इनमें क्या होगा, आपको रिपोर्टें थोड़ी सी हैवी दिखेगी और थोड़ी सी बड़ी। जैसे यहाँ देखिए, अब इसमें मुझे क्या हो गया, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो मैंने आइटम खरीदी है वो कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट था और टोटल क्या बिल था, आपने माल रखा कहाँ पर है, राउंड ऑफ हुआ तो कितना हुआ, क्या क्वांटिटी थी, क्या था। तो आप जब भी किसी टॉपिक की लिस्ट निकालेंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके ऑप्शन भी पढ़ लिया करना, तो ओपन भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे उसने कहा मुझे आइटम देखनी, तो आप आइटम को यस करोगे तो आपके आइटम का नेम भी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक आता है सेल का। सर और कहाँ से निकाल सकते हैं? एक तो आपने मुझे बता दिया कि आप लिस्ट में आओ, यहाँ से निकाल लो। सेल की बात हुई सेल की, परचेज की बात हुई परचेज की, पेमेंट की बात हुई पेमेंट की, लिस्ट की बात, रिसीव की बात हुई रिसीव की। सर और कहाँ से रिपोर्टें निकलती, और कहाँ से निकलती है? डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका अकाउंट बुक। क्या आती है? अकाउंट बुक। और आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ से, अकाउंट रजिस्टर। क्या मिलेगा आपको? अकाउंट रजिस्टर। और यहाँ से मिलेगा स्टैंडर्ड। क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड।
जैसे आप वहां से रिपोर्टर निकालते हो वैसे आप यहां से निकाल सकते हो। आप इस पे इंटर मारो, कहां जाओ, सेल रजिस्टर पे आओ और ऑल सेल टाइप या वन सेल टाइप, आप बोल दो ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी, वन पार्टी या सिलेक्टेड पार्टी। तो हमने बोल दिया किसकी देखनी है, ऑल पार्टी। क्या कब से कब तक की सर, मैंने एक साथ से लेके, देखो वो आ गई, आ गई, कोई प्रॉब्लम। किसी ने परचेज के लिए बोला तो कहां जाओ, किसी ने सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न में, किसी ने परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न, ठीक है, ये सेल से आ गई। अगर कोई परचेज की बात करे सिंपल है, जैसे मैंने सेल की रिपोर्ट निकाली वैसी आपकी क्या होती है, परचेज की रिपोर्ट होती है। क्या होती है आपकी, परचेज की रिपोर्ट होती है। देन हम आगे आते, अब हमारे क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाते हैं। मुझे सेल देखनी है लेकिन किसकी देखनी है, मुझे पार्टियों का नाम चाहिए कि 1 से 10 तारीख इस पार्टी को इतने अमाउंट की मैंने क्या करी है, माल बेचा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए पार्टी नेम और अमाउंट, बस क्या चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए। या दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहां पर, मुझे आइटम नेम और कितनी क्वांटिटी बेची है, या आइटम ग्रुप वाइज आइटम और क्वांटिटी, ठीक है, या सेल ग्रुप और अमाउंट। अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल एनालाइज, मतलब उसका जांच पड़ताल करना, आप कहाँ आओगे, सेल एनालिसिस पे। जैसे ही आओगे तो सबसे पहले मिलेगा आइटम वाइज, पार्टी वाइज आइटम, ग्रुप वाइज पार्टी, ग्रुप वाइज वन पार्टी, ऑल अकाउंट, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ अकाउंट। सबसे पहले टॉपिक क्या आता है, आइटम वाइज। किसी ने कहा कि मुझे ये बताओ कि मैंने अब तक कितनी क्वांटिटी सेल कर दी 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, आप कहाँ आओगे, डिस्प्ले के अंदर, सेल एनालिसिस के अंदर। आप जैसे इंटर मारोगे यहाँ पर टॉपिक आ गए, स्टैंडर्ड डेट वाउचर वाइज, स्टैंडर्ड डेट मंथली, ठीक है, क्वार्टरली। आप जैसे इस पर इंटर मारोगे तो पूछता है ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, वन अकाउंट और सिलेक्ट अकाउंट। सर ऑल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, ऑल अकाउंट्स, ऑल आइटम का मतलब होता है सारी आइटम, मतलब जितनी आपके पास आइटम है। ग्रुप ऑफ आइटम क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइटम होता है कि जब आप आइटम बनाते हो ना, क्या करते हो आप, आइटम बनाते हो तो आपसे ग्रुप पूछता है ना, ये कौन से ग्रुप में डालना है, ये वो होता है। तीसरा क्या आता है हमारे पास, वन आइटम, वन आइटम का मतलब एक आइटम, और सिलेक्ट आइटम का मतलब जितनी मैं सिलेक्ट करूँ उतनी। तो समझ गए टॉपिक, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओला का। इसके बाद पूछता है डेट वाउज, तो आप इस पर इंटर मारोगे तो क्या बोलोगे आप, कब से कब तक की सर, 1/7 से लेके 10/7 तक, और आप इसको खोलोगे तो आपको देखो लिस्ट मिल जाएगी कि सर आइटम ये इसकी यूनिट और कितनी क्वांटिटी बेच चुका हूं मैं अब तक, ठीक है, क्या आइटम बेचिए, स्लाइडर, इतनी क्वांटिटी, ये अमाउंट, इतनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, इतनी, इतना। उसने कहा मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो यहां से क्या अनेबल कर देना, शो वैल्यू ऑफ, और इस पे ओपन कर देना, क्लियर। उसने कहा मुझे यहां पर शो करो जीएसटी अमाउंट, शो करो, तो आप क्या करोगे, शो जीएसटी अमाउंट कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी अमाउंट भी शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ठीक है, किसी ने कहा मुझे वाउचर नंबर भी शो करना है, तो आप क्या करोगे, वाउचर नंबर भी शो होना शुरू हो जाएगा। ये आइटम एक वाउचर नंबर 9 में बिकी थी, ये वाली एक आइटम कहाँ बिकी, वाउचर नंबर 1 में, ये आइटम कौन सी, वाउचर नंबर 2 में, ये वाली क्वांटिटी कब बिकी आपकी, वाउचर नंबर 1 में, ये वाउचर नंबर 1, ये वाउचर नंबर 2, ये वाउचर नंबर 2, ये वाउचर नंबर 1, ये वाउचर नंबर 3, ये वाउचर नंबर 6। उसने देख, अगर इस बिल को खोल के देखोगे तो पूरा वही आएगा, ठीक है सर, चले आगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मंथली, किसी ने कहा मुझे मंथली रिटर्न देखनी, तो आप कहाँ होगे, मंथली। आप इस पे इंटर मारोगे
ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम, जैसे आपको करना है वैसे ही। अगर किसी ने कहा मुझे पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए, कैसी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक मैंने किस किस पार्टी को कितने का माल बेचा, तो कहाँ जाओगे आप? पार्टी वाइज, स्टैंडर्ड और यहाँ से ऑल पार्टी मतलब सारी पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी तो जैसे डेटर्स ही डेटर्स आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे इसके अंदर? डेटर्स ही डेटर्स। और वन पार्टी तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को, सिलेक्ट पार्टी तो अगर मैं ऑल कर दूं तो कितनी सारी पार्टी आएंगी जिनको मैंने सेल किया, चाहे वो मेरे डेटर्स हो चाहे मेरे वो क्रिएटर्स हो। डेट वाइज कब से कब तक, तो 1 साल से लेके 1 को कितने का माल बेचा, इतने का। देखो हर एक चीज की अपनी एक रिपोर्ट आ गई। अब विनायक को कितने का माल बेचा है मैंने? 62982। जैसे एंटर मारूंगा तो कितना बिल नंबर? T90। अगर मैं इस पे जाऊं, 1 करोड़ कितना है, 1,74,00,000, तो देखो यहाँ बिल आ जाएगा इसका। और ऊपर जाऊं इसका तो इस पे बता देगा कितने बिल है, मतलब जितने नंबर ऑफ बिल कटे होंगे सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। इसके 2 बिल कटे तो यहाँ पर 2 शो हो गए, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्टें होती हैं। इसमें क्या है सर, अब इनको हम सीखेंगे कैसे? जब तक आप इन सभी रिपोर्टों को खोल के नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अगर किसी ने कहा मुझे बताओ स्लाइडर का मैंने कितनी क्वांटिटी सेल करी, क्या क्वेश्चन है उसका? स्लाइडर कि मैं जब आइटम बनाता हूँ ना तो यहाँ पर स्लाइडर ग्रुप है ना, मुझे ये बताओ उसकी कितनी क्वांटिटी बेच चुका हूँ मैं, कितनी क्वांटिटी बेच चुका हूँ। तो आप कहाँ आओगे? सेल एनालिसिस के अंदर, आइटम वाइज, स्टैंडर्ड यहाँ से क्या लोगे? ग्रुप ऑफ आकर आइटम और डेट वाइज। क्या आइटम था आपका ग्रुप? अब बता मैंने यहाँ पर ऑल आइटम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आइटम की बात नहीं करी, मैंने ग्रुप ऑफ आइटम की बात करी। किसकी बात करी मैंने? ग्रुप ऑफ आइटम। यहाँ एंटर मारा, ओके करा तो मेरी रिपोर्ट खुल गई। किसी ने कहा मैं 10 आइटम लेना चाहता हूँ, 2 आइटम दूसरे ग्रुप के, 2 आइटम दूसरे ग्रुप, तो आप क्या लो? सिलेक्ट आइटम और यहाँ से शो लिस्ट करो, आपको सारी शो हो जाएगी। उसके बाद जो चाहिए उस पर टिक करते जाइए। सब पे करना तो नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। ओके करो, डेट वाइज देखो आपकी आ जाएगी, आगे वो आइटम चार्ट क्लियर। प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की सबकी सेम होती है, क्या होती है? ऑल्ट पी। क्या शॉर्टकट की होती है प्रिंट निकालने की? ऑल्ट पी करो, फ्रॉम बिजी पे आओ और समरी वाइज या डिटेल वाइज, जैसो आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी जब भी कोई रिपोर्ट निकालते हो सबसे पहले उसका प्रीव्यू देख लिया करो, उसका प्रीव्यू क्या आ रहा है। प्रीव्यू से ओनर सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको दूसरी रिपोर्ट दिखाइए, ठीक है। ये हो गई सेल आइटम वाइज। क्या हो गई? सेल आइटम वाइज। ऐसी पार्टी वाइज हर तरह की रिपोर्ट कहाँ से निकलती है? यहीं से निकलती है, सेल की मैक्सिमम। ऐसी आपकी बिल्कुल एडिटेड होती है आपकी परचेज की, इसमें भी आपका कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी होती है, दोनों में कहीं भी कुछ फर्क नहीं है। ऊपर भी आइटम वाइज था, ये भी आइटम वाइज है, बस ये किसकी रिपोर्ट दिखाएगा आपको? परचेज। और वो किसकी रिपोर्ट दिखाता है? सेल की, ठीक है। अगर कोई आपसे सेल से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे, तो सबसे पहले आप यहाँ से उसको हल करेंगे, ठीक है। कहाँ से? सबसे पहले आप डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ से हल करेंगे, सॉरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट में से हल करेंगे। ट्रांजेक्शन से हल नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? ऑल्ट एल से। और अगर ऑल्ट एल से हल नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? डिस्प्ले में, सेल एनालिसिस और परचेज एनालिसिस। देन आगे चलते नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है ऑल्ट एल। क्या आता है? ऑल्ट एल। ऑल्ट एल कब यूज करोगे? अगर किसी पार्टी ने या किसी ओनर से आपने कहा कि मुझे संत का लेजर निकालना है, किसका लेजर निकालना है? संत पार्टी का लेजर निकालना है, तो आप उसके लिए क्या दबाओगे अपने कीबोर्ड पे? ओल्ड के साथ एल। क्या दबाओगे? ओल्ड के साथ एल। और क्या लिख दोगे यहाँ पर आप? सन। और जो भी कब से कब तक का, उसने कहा जुलाई मंथ का पूरा, तो 1-7 होती है जुलाई मंथ में और डेट क्या होती है? 31-7। जैसे ही ओके करूँगा उसकी देखो सारी एंट्री आपके सामने खुल जाएगी, खुल गई यहाँ पर कि सर हमने कितने का माल बेचा, हम यहाँ टॉपिक नो कर देते हैं सारे। हो गया टॉपिक नो, तो हमने कितने रुपए की सेल करी, तो हमें उसने बताया कि हमारी सेल हुई है 4,93,000 और टोटल इससे बैलेंस कितना लेना है? 27,417 रुपये से बैलेंस लेना है। अगर किसी पार्टी के लेजर में डी आ जाता है तो हमें उससे पैसा लेना होता है, और सी आ जाता है तो हमें उसको पैसा देना होता है।
अगर किसी ने कहा इसका प्रिंट आउट निकालो तो क्या शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट पी इंटर ऑल्ट पी, आप ऑल्ट पी करो, उसको बुला लो लड़के को, सुमित राजू को बुला लो अंदर, ऑल्ट पी और इंटर। चले आगे, लेकिन सर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप मुझे दोबारा एक खेल दो शेर, डिस्कस करते चलें। आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हम लेजर के बारे में सीख रहे हैं कि रिपोर्टें कैसे निकालते हैं। अगर किसी ने आपसे कहा मुझे एक पार्टी का लेजर निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, लेजर, तो उसकी शॉर्टकट की होती है ओल्ड के साथ एल, क्या होती है, ओल्ड के साथ एल। देखो ये जो वर्ड लिखे ना ये शॉर्टकट की है, और जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन होती है ना इसका मतलब आप ओल्ड के साथ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ओल्ड के साथ। जैसे आप कंपनी बंद करते हैं ना तो यहाँ मैसेज लिख के आता है डू यू वॉन्ट टू क्लोज दिस कंपनी, आप अगर ओल्ड के साथ एन दबा देंगे तब भी आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। कहीं भी जाओ किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर किसी लाइन के नीचे अंडर लाइन है इसका मतलब आप उसको ओल्ड के साथ यूज करोगे, ठीक है, क्या यूज करोगे आप, उसको ओल्ड के साथ हो जाएगा ये यूज। अगर किसी ने आपसे कहा एक पार्टी का लेजर निकाल के दिखाओ, क्या करके निकाल के दिखाओ, एक पार्टी का लेजर, तो उसकी शॉर्टकट की होती है ओल्ट एल, क्या होती है, ओल्ट एल, ओल्ट एल करो, आ गया। उसके बाद सबसे ऊपर लिख के आएगा अकाउंट लेजर, उसके बाद किसका लेजर निकालना है, मैंने बोला यहाँ पर मुझे निकालना है पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आ गया, कौन सी, हरियाणा वाली, मैंने कहा हरियाणा वाली, देखो आ गया। उसके बाद कब से कब तक का, तो मैंने बोला 1/7 से लेके 31/10 तक का, खुल गया लेजर। जैसे ही ओके करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि पॉलीलेस इंडिया से इतने का माल खरीदा, इतना अमाउंट था और इतनी क्वान्टिटी थी, सॉरी इतना बैलेंस उसको पे करना है, आ गया। अगर किसी ने कहा इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाओ, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ओल्ट के साथ पी, क्या शॉर्टकट की होती है, ओल्ट के साथ पी दबाओ, दो फ्रॉम बीजी या एज ऑन, फ्रॉम बीजी पे जाओ और यहां से प्रीव्यू दोगे तो खाली प्रीव्यू देखेगा, और प्रिंट पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रिंट, क्लियर है। दूसरा दोबारा समझो क्या शॉर्टकट है, ओल्ट के साथ एल, फिर पार्टी का नेम, जो भी पार्टी का नेम हो वो डालो और ओके करो, उसके बाद प्रिंट चाहिए तो प्रिंट प्रीव्यू। बट इसमें ध्यान रखना डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी ने आपसे 4 दिन की रिपोर्ट मांगी तो आप स्टार्टिंग डेट भी वही रखना और एंडिंग डेट भी 4 डाल देना, आप ये नहीं आप पूरे महीने की निकाल के दिखा दो, गलत हो जाएगी, क्लियर है, ये होता है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है आइटम लेजर, क्या आता है, आइटम। किसी ने कहा मुझे ये बताओ कि किस आइटम का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, किस आइटम का कितना स्टॉक मेरे पास है, उसने कहा कि मुझे बताओ 5 नंबर टोनी जिप मेरे पास कितनी बड़ी है, कितनी पड़ी हुई है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है ओल्ट आई, क्या शॉर्टकट की होती है, ओल्ट आई, तो अपने कीबोर्ड पर क्या दबाओ, ओल्ट के साथ आई, क्या दबाओगे आप, ओल्ट के साथ आई, और जो भी आइटम का नेम क्या था, 5 नंबर टोनी जिप, और जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो आपको बता देगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपका, माइनस में 8477। देखो आपको डिटेल भी दे रहा है कि टोटल इन कितना हुआ माल, टोटल आउट कितना हुआ और टोटल बैलेंस कितना आ गया, इतना। इन मतलब होता है आना, आउट मतलब होता है जाना, और जो रिमेनिंग बचा होता है वो आपको यहाँ शो हो जाता है। हो गया कोई प्रॉब्लम इसमें, हाँ माइनस प्लस का है, और नीचे ग्राफ भी आपको बताता है कि किस महीने में, ग्रीन मतलब आपने अप्रैल महीने में माल ज़्यादा बेच दिया और आपका परचेस कम हुआ। ऐसे जुलाई में आओ, जुलाई में परचेस ज़्यादा हुआ है लेकिन माल बिचा है क्या, कम, देख लो आप जुलाई में 14,000 का परचेस हुआ, 14,000 का, और माल क्या कितने का है, 12, बिका नहीं क्वांटिटी है, लिखा हुआ है ना क्वांटिटी इन और क्वांटिटी आउट, इतना आया है और इतना गया है। अगर आप इस पर फर्दर इंटर मार देंगे तो आपको डिटेल खुल जाएगी किस महीने में किस किस से परचेज हुआ है, किस किस को माल बेचा है, ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर, चलें आगे। लेकिन सर यहाँ पर एक और वर्ड तो देखिए आप, ओल्ट जी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओल्ट के साथ जी,
और इसमें भी लिखा हुआ है आइटम लेजर, क्या लिखा हुआ है आइटम लेजर, तो आप ओल्ड के साथ जी दबाएंगे ना तो पता है क्या होगा आपको, लेजर खुल जाएगा आइटम का। लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर, ओल्ट आई में और जी में, ओल्ट आई से मंथली आता है, क्या आता है आपकी रिपोर्ट मंथली आती है, और ओल्ट जी से क्या आती है आपकी डेट वाइज। किसी ने कहा चार दिन की रिपोर्ट निकाल के दिखाओ, तो आप इस तरीके निकालना ओल्ट के साथ जी, किसके साथ ओल्ट के साथ जी, चार तारीख, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो आपकी रिपोर्ट खुल जाएगी। हमने मतलब चार से इसमें कोई माल नहीं बेचा, एक साथ से देखिए, एक साथ से सात दस तक कितना माल बेचा, तो हमारे पास रिपोर्ट खुल के आएगी सर, सात दस से इतना माल बेचा, खरीदा हमने इन लोगों से और बेचा कितना इन लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, तो हमने ये काम करा। आगे समझ में, अगर किसी ने कहा मुझे ये बताओ आइटम वन का सेल प्राइस कितना है, आइटम वन का सेल प्राइस कैसे, कोई निकाल सकता है, सिंपल आप ओल्ड के साथ आई दबाना, उस आइटम का नाम डालना जो आइटम आपको बताए, और उसके बाद ऊपर जाना ओल्ड प्लस एम कर देना, ठीक है। किसी ने कहा पार्टी का नाम गलत है, उस वो आया फटाफट आपके पास, उसने कहा कि सर आपकी शिप कृपा की स्पेलिंग ठीक है, उसको ठीक करो, तो आप क्या करना, सबसे पहले ओल्ड के साथ एल, फिर उसे पार्टी का नाम लिखना, पार्टी का नाम लिख जाएगा, लिख गया, उसके बाद इंटर मारो, ऊपर जाओ और क्या कर दो ओल्ड के साथ एम, इसको ठीक करके क्या कर दो सेव कर दो। ये फासली तरीके होते हैं। अब सबसे मेन आती, किसी ने कहा कि मुझे डेटर की लिस्ट निकाल के दिखाओ कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, डेटर की लिस्ट निकाल दो किससे मुझे कितना लेना है, किसको कितना मुझे देना है। नीचे लगाओ, नीचे चार्जर लगाओ, फिर उसने क्या बोला किस डेटर से कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है। अगर कोई आपसे डेटर के बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है डेटर्स की, तो आपको कभी कहाँ जाना है अकाउंट समरी पे नहीं आके, कहाँ जाना है आपको अकाउंट सॉरी बुक पे ना, अकाउंट समरी पे आना है, और आपको मिलता है यहाँ से कंसोलिडेटेड समरी, क्या मिलता है आपको कंसोलिडेटेड समरी। जैसे आप इस पर इंटर मारोगे तो एक टॉपिक पूछता है ओल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट और सिलेक्ट अकाउंट, अगर आप ओल अकाउंट कर दोगे तो सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं अगर किस पे क्लिक कर दूं और इस पे एंटर मारूं क्या लिख दूं, तो सन्ड्री डेटर्स की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी सर, कि किसका कितना ओपनिंग था, कितना उससे लेना है, और कितना उसका बैलेंस, कितना क्रेडिट हुआ, कितना क्लोजिंग बचा है, क्लियर है। कहां से, दोबारा डिस्प्ले में, अकाउंट समरी में, कंसोलिडेटेड समरी, अकाउंट वाइज ग्रुप ऑफ अकाउंट और सन्ड्री डेबिटर्स, और जैसे ही इंटर मारोगे ओपनिंग बैलेंस होता है पुराना बैलेंस, डेबिट मतलब होता है कितना उससे पैसा लेना है, इसका क्रेडिट मतलब उसको कितने का सेल कर दिया, डेबिट का मतलब होता है उसने मुझे कितना पैसा दे दिया। अगर आपको देखो समझाऊं पार्टी का नाम क्या है, अगर मैं इस पर इंटर मारूं तो किसका लेजर खुल गया, देखो ए वन की सेल कितनी हुई है, 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये की सेल हुई है, और 1,05,000 रुपये ही उससे आए हुए हैं, तो देखो आपको बता भी रहे हैं, क्लियर है। अगर कोई क्रिएटर की मांगे तो क्या करोगे सर, तो बस सर मैं यहाँ पर जो डेटर्स लिखा है इसको क्या कर दूंगा, सन्ड्री क्रिएटर्स कर दूंगा। किसी ने बोला किसी और का तो यहाँ से निकालते हैं, क्लियर। किसी ने कहा मुझे मंथली किसी की रिपोर्ट निकालनी, तो कहाँ हो गया आप अकाउंट समरी में मंथली। अगर आपको ग्रुप ऑफ अकाउंट देखनी है तो ग्रुप अकाउंट, ओल अकाउंट देखनी है तो ओल अकाउंट, क्लियर है। आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्टेड अकाउंट, सिलेक्ट पे गया, शो पार्टी पे क्लिक करा, पार्टी सिलेक्ट हो गई, 10 पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी, ये पार्टी,
आ गया, देन ओके ओके खोल दो, ठीक है चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास कंसोलिडेटेड के बाद नीचे लिखा होता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब किसी ने कहा कि सर जो ये आपने रिपोर्ट निकाली है ना, इसमें मुझे खाली क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो डेटर का। क्या दिखा दो? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कितना उससे पैसा लेना है, किससे कितना उससे पैसा लेना है, कितना उससे पैसा लेना है। मुझे ये दो टॉपिक मत दिखाओ या तीनों टॉपिक मत दिखाओ, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मत दिखाओ। एक तरीका जो है आप इसको पकड़ो और इसको छुपा दो, इसको पकड़ो और छुपा दो, इसको पकड़ो और छुपा दो। क्या छुपाने से प्रिंट में नहीं आएगा? प्रिंट में तो आएगा ना। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? अगर ऐसी कोई रिपोर्ट मांगे तो कहाँ जाओगे? आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर अमाउंट रिसीवेबल जिनसे पैसा लेना है और पेबल जिनको पैसा देना। पेबल मतलब होता है देने वाला और डेटा और रिसीवेबल मतलब होता है लेने वाला। तो अमाउंट रिसीवेबल में आओगे, ग्रुप ऑफ अकाउंट करोगे और जो भी होगा वो डाल दोगे, यहाँ से आ जाएगा आपका। क्लियर है? ये भी कर लोगे। लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका स्टॉक स्टेटस। क्या आता है आपका? स्टॉक स्टेटस। किसी ने कहा कि मुझे स्टॉक की लिस्ट निकाल के दिखाओ। किसकी लिस्ट निकाल के दिखाओ? स्टॉक की, कितना मेरे पास इन है, कितना बचा है, कितना नेगेटिव है, क्या। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलता है क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज। क्या मिलेगा आपको? क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज। क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वाइज। जैसे ही इंटर मारोगे इसका मतलब अब आपको जो रिपोर्ट मिलेगी ग्रुप वाइज ही मिलेगी। कौन सी रिपोर्ट मिलेगी आपको? ग्रुप वाइज। जैसे ही आप इस पर इंटर मारेंगे ना, यहाँ से मिलेगा स्टॉक स्टेटस टू बी जनरेटेड एट मंथ एंड या एज ऑन डेट। मंथ करूँगा तो मुझसे अप्रैल टू जून पूछेगा, जुलाई टू दिसंबर पूछेगा, जैसे ऐसे मंथली चलेगा ऑल आइटम इसे कब से मंथली। अगर मैं डेट बेस ले लूँगा तो मुझसे खाली डेट पूछेगा, और अगर मुझे ऑल आइटम निकालनी तो ऑल आइटम और ग्रुप आइटम निकालनी है तो मुझे क्या निकालनी है यहाँ से? ऑल आइटम कब से कब तक की, तो मैंने बोल दिया 1 नवंबर तक की। देखो सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि बिजी ग्रुप में कितनी बीज पड़ी है, 6900 पड़ी है। जनरल ग्रुप आपका कितना मायने जा रहा है? 845000 आपका मायने जा रहा है। स्लाइडर आपका कितना जा रहा है? 48000 माइनस प्लस में, और जिप कितना है? इतना। और अगर फर्दर इंटर मार दोगे तो उनकी डिटेल आएंगी इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी आपकी आइटम है, ठीक है। क्यों हम ऐसा करते हैं? आपने सोचा कभी आइटम बनाते हैं हम ग्रुप क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जब रिपोर्ट देखे तो हमें सेपरेट रिपोर्ट मिल जाए। जैसे यहाँ मिल रही है, स्लाइडर अलग हो गया, जिप अलग हो गया, जनरल अलग हो गया, बीजी सॉफ्टवेयर अलग हो गया। अगर मैं इस पर इंटर मारूंगा तो उसकी रिपोर्टें अलग आ जाएंगी, ठीक है। ये टॉपिक थे। देन हमेशा याद रखना कि स्टॉक स्टेट, अगर किसी को शॉर्टकट की बनानी तो नीचे लिखा होता है क्रिएट शॉर्टकट की। आप इस पर जाके शॉर्टकट की क्रिएट कर दो, आपकी शॉर्टकट की बन गई। क्या शॉर्टकट की बन गई? कंट्रोल के साथ F4। आप कहीं भी खड़े हो और कंट्रोल के साथ F4 दबाओगे तो डायरेक्ट कोई टॉपिक खुल जाएगा। क्लियर है? किसी भी चीज़ के लिए आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। देन नीचे स्टॉक आता है क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकली। इन पे एंटर मारोगे, यहाँ से मिलता है बैलेंस ओनली। खाली मुझे आइटम का बैलेंस बता दो, कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई। जैसे ही आप इस पे एंटर मारेंगे ऑल आइटम आएगा। ऑल आइटम तो जानते होंगे क्या होता है, सारी आइटम। ग्रुप ऑफ आइटम क्या होती है? ग्रुप वाइज। वन आइटम, एक आइटम, सेलेक्ट आइटम। मैंने क्या ले लिया यहाँ से? और कौन सा ग्रुप? स्लाइडर। तो स्लाइडर की सारी आ जाएगी कि स्लाइडर में ये आइटम आपकी क्या जा रही है? नेगेटिव जा रही है। क्या जा रही है आपकी? नेगेटिव जा रही है। क्या जा रही है सर आपकी? नेगेटिव जा रही है। क्लियर? ये होता है बैलेंस। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसके अंदर जो जिस पार्टी का जीरो बैलेंस है वो कभी नहीं शो होता। पार्टी नहीं, आइटम का। क्या? आइटम का, जिस आइटम का बैलेंस जीरो वो कभी नहीं। अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर इस टॉपिक को यश कर देना। अगर आप इस टॉपिक को नो रखोगे तो जीरो वाली आपको शो नहीं होंगी। क्लियर है? देन एक नीचे होता है डिटेल। एक क्या होता है आपका? डिटेल, कि कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और कितना भी बचा हुआ है। तो आप इस पे इंटर मारेंगे ऑल आइटम, ग्रुप आइटम और सिलेक्ट आउट। ऑल आइटम करोगे तो सारी आइटम आ जाएगी। कब से कब तक की? जो डेट डालोगे तो वो आ जाएगी। उसके बाद कितना ओपनिंग था, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, कितना बैलेंस है यहाँ से।
ओपनिंग क्वांटिटी, पुराना स्टॉक कितना था, नया स्टॉक इतना आया, आउट इतना हो गया और बचा। क्लियर? अगर वैल्यू भी देखना चाहो तो किसको एनेबल कर दो, तो वैल्यू भी शो हो जाए। किसी ने कहा ये आइटम कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, वो ग्रुप भी दिख जाए, तो क्या कर दो यहां से, ठीक है शोभ, ठीक है शोभ, पेरेंट ग्रुप कर दो और यस कर दो। आ गया ये जिप का, ये स्लाइडर का, ये इसका है। हो गया, कोई डाउट है उसके अंदर? ये स्टॉक की बात आ गई। अगर किसी ने इन चीजों को कवर कर लिया और फास्टली करी था तो उसकी अच्छी बात है, क्योंकि यही चीजें आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में। इंटर इंटर हैं? अगर मंथ वाइज करोगे तो मंथ से पूछेगा, कौन से मंथ की आपको रिपोर्ट देखनी है, कहाँ कौन से मंथ लास्ट है। यहाँ पर लिखा है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, जब आपने इस पर एंटर मारा तो ऊपर क्या लिखा है, मंथ एंड, कौन से मंथ एंड तक की देखनी है, ठीक है। एक होता है एज ऑन डेट, कौन सी डेट तक देखनी है, तो आपसे वो डेट पूछेगा। जैसे आपने कहा 4-6 तक देखनी है, तो 4-6 तक का स्टॉक दिखेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? आगे चलें। ये होता है, देखो एक नीचे टॉपिक है HSN वाइज, ठीक है। ये आपके बेसिकली टॉपिक थे जिसको कवर करो। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल टेल ऑल टाई। अगर किसी ने कहा सेल का पुराना बिल का प्रिंट आउट निकालो, किसी ने बोला ऐसा करो T55 का दोबारा प्रिंट आउट निकालो, तो आप कहाँ आओगे, मॉडिफाई में आओगे, GST में, कितना बोला उसने T55, तो मैं कितना नंबर डाल दूंगा, T55। आ गया, अब इसका दोबारा प्रिंट आउट मांग रहा, तो क्या कर दो आप लोग, प्रिंट आउट की शॉर्टकट की क्या होती है, ओल्ड के साथ पी, आप ओल्ड के साथ पी जब आओ सेल इनवॉइस और डायरेक्ट क्या निकाल दो, प्रिंट। मैं तो प्रिंट नहीं निकाल सकता ना, आप लोग क्या निकाल दो, प्रीव्यू। क्लियर है? कहीं भी किसी भी चीज के लिए आप ओल्ड के साथ पी, इंटर ओल्ड के साथ पी, हाँ ठीक है। लेजर वेजर किसी भी चीज का प्रिंट आउट निकालने की शॉर्टकट की ओल्ड के साथ पी होती है, है? क्या क्या बोलो कृष्णा, बोलो ना लाउडली, बोलो कृष्णा, हाँ हाँ। और अगर 100 वाउचर निकालने तो, किसी ने बोला कि आप ऐसा करो 5 तारीख को जितना माल बिका है ना उसके प्रिंट आउट निकाल दो, एक बार में निकाल दो सारा, ये सारी पार्टी वो तो निकल जाएगा मॉडिफाई से। किसी ने आपसे ये क्वेश्चन जनरेट कर लिया कि मुझे 5 तारीख का प्रिंट आउट एक बार में निकाल दो, कैसे निकल जाएगा डेट से? ओल्ड पी करोगे तो सेल की लिस्ट निकलेगी ना। क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे 5 तारीख के सारे बिलों की एंट्री का प्रिंट आउट निकालना है एक एक करके। जैसे मैं ऐसे करूं, मैं लेजर खोलूं, प्रिंट निकालूं, प्रीव्यू देखूं और प्रिंट पे क्लिक कर दूं, फिर नेक्स्ट बिल खोलूं, उसको ओपन करूं, प्रिंट प्रीव्यू निकालूं, इसको एंटर मारूं, प्रिंट निकालूं, फिर तीसरा बिल खोलूं, ओपन करूं, एंटर मारूं, प्रिंट पे क्लिक करूं और तीसरा, ऐसे ऐसे करके निकालूं, हैं कैसे निकल जाएंगे? अगर डायरेक्ट आप यहीं ओल्ड पी करोगे ना कृष्णा, तो जो आपको एंट्री दिख रही है ना यही शो होंगी। ये गलत है, मेरा मतलब नहीं समझे, ये एक बिल बोला मुझे T5 का प्रिंट आउट निकाल दो, ऐसे T6 का प्रिंट आउट निकाल दो, एक T7 का प्रिंट आउट निकाल दो, एक बार में सारे प्रिंट आउट निकाल दो जो एक बार में बेचे हैं आपने। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर, और सबसे नीचे मिलती है प्रिंट यूटिलिटी। क्या मिलती है आपको? प्रिंट यूटिलिटी। आप इस यूटिलिटी में जाओ, यहाँ से क्या लिखा, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करो। कह रहा है क्या निकालनी, मैंने बोला सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस, डेट वाइज मैंने कहा डेट वाइज, ऑल मैंने कहा ऑल, सिलेक्ट ऑल, GST ऑल, कब से, मैंने बोला 5-7 से, तो 5-7 से कहाँ तक सर, 5-7 तक, स्टैंडर्ड और ओके कर दो। देखिए एक बार में सारी कॉपी निकाल देगा। कौन नहीं रहती है, देखो पहला बिल कितना है T6 5, इसको आगे बढ़ाओ क्या आ गया T7, इसको आगे बढ़ाओ कितना आ जाएगा T9, इसको आगे बढ़ाओ कितना आ रहा है T10, इसको बढ़ाओ कितना आ गया T11, खत्म, एक बार में सारे प्रिंट आउट आ गए।
दोबारा प्रिंट एसएमएस में आओगे, यूटिलिटी में, इनवॉइस के अंदर सिलेक्ट इनवॉइस, डेट वाइज यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट पार्टी मास्टर, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी या सिलेक्ट पार्टी। ठीक है, सपोज करो ये यहाँ पर शिव कृपा के कितने बिल कटे, शिव कृपा के 43 बिल कटे हुए। उसने कहा 43 बिल का एक बार में प्रिंट आउट निकाल दो सभी का, एक एक करके निकाल सकते हो आप, एक एक करके तो निकालोगे आप, क्या करोगे। उसने कहा कि जितने सेल के बिल कटे हुए ना, देखो क्या लिखे हुए, सेल 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 सेल, इन सभी का एक एक प्रिंट आउट निकाल दो। इसको खोलो प्रिंट निकालो, फिर इसको बंद करो, नीचे वाला खोलो प्रिंट आउट निकालो, इसको खोलो नीचे वाला प्रिंट आउट निकालो, इसको खोलो नीचे वाला प्रिंट आउट। ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको, लगेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से वन पार्टी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वन पार्टी, और पार्टी में क्या डाल देंगे, शिव कृपा ऑल और प्रीव्यू। देखो एक बार में कब से कब तक की, तो डेट डाल दो, और 31/7 तक, तो जितने बिल होंगे ना इसके एक बार में प्रिंट आउट आ जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ बिल कटे हो जुलाई मंथ में। ठीक है, तो ऐसी एक बार में अगर आपको एक बार में सारी कमांड देनी है देन ये यूज करना है। आ गए, कितने बिल थे जुलाई मंथ में इसके, और बस डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर दो, आपका प्रिंट निकल जाएगा 12 के 12। ठीक है, यही रिपोर्ट होती है। देखिए सर, काम तो हर कोई कर लेता है बिजी में, लेकिन जिसको रिपोर्ट के लिए सीखना है ना, वही आगे बिजी में काम कर सकता है। और बिजी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आगे चल के तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये। नहीं, जैसी मर्जी निकालो, आपके से ऑप्शन है ना, यहाँ देखो आपसे पूछता है ना। हाँ, एक एक करके निकलेगी फिर तो, जैसे आपने कहा 5 से 7 तक निकालनी, तो आप 5 लिखोगे और 7 निकल, सीरियल वाइज निकलेंगे। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने टॉपिक